आरसीबी की मेंस टीम जो अभी तक कर नहीं पाई वुमेन टीम ने, वो करके दिखा दिया। कंपैरिजन को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक कंपैरिजन टू बी फेयर, यू नो, अच्छा क्रिकेट उन्होंने भी काफ़ी खेला है 16 साल में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं खेला है। डेफिनेटली यू नो ऐसा आई डोंट थिंक कि कंपैरिजन राइट है, क्योंकि लेट्स जस्ट यू नो आरसीबी डेफिनेटली एक फ्रेंचाइज है, बट लेट्स ट्रीट मेंस एंड वुमेन्स टीम सेपरेटली, क्योंकि डजंट लाइक वी डोंट वॉन्ट टू बी देयर एट इन दैट कंपेरिजन वे। दे आर बेस्ट एट वॉट दे डू, वी आर गुड एट वॉट वी डू, सो वी हमने ऐसा कभी सोचा नहीं कि यू नो ऐसा कुछ भी है, बट but yeah, I think just for the fans, I think it is really special. Number 18 is very heavy number. Is it? लगता नहीं। अच्छा, ठीक है। So कल की जीत के बाद अभी भी इस number 18 का मतलब वही है, स्मृति मंधाना, या फिर आपको कुछ लगता है changes हैं? आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, directly पूछ रहा हूँ। Number 18 जो कि विराट का भी number है। So क्या आपको कभी you know अपने career में ऐसा बार बार कंपैरिजन आपने जीता है टाइटल नंबर 18, दूसरा वाला अभी ब्रेक कर रहा है, सो उस लिहाज अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला यू नो टाइटल इज़ वन थिंग, बट जो दूसरे नंबर 18 ने अचीव करा इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी बात है। सो आई डोंट थिंक यू नो वो कंपैरिजन राइट है इन टर्म्स ऑफ वेयर माई करियर इज एंड वेयर ही इज़ ऑलरेडी अचीव्ड। सो मुझे कंपैरिजन इसलिए नहीं पसंद कि बिकॉज वॉट ही इज अचीव्ड हैज़ बीन रियली ग्रेट, ही इज़ बीन अ रियली इंस्पिरेशनल पर्सन। The title doesn't define a lot of things, and we all respect him. And I feel like you know, the respect in Indian cricket has to be there, right up there for Virat. So there's nothing different for me as well. So I wouldn't really term it of any 18, nothing. It's an inspiration. Jersey number is just a personal choice. It doesn't define my birthday date is 18, and I have my 18 on my back. It doesn't really define how he plays his cricket or I play cricket. He's been an inspiration in a lot of aspects for us. So I wouldn't really say that you know title should define anything. Last question. Bangalore jo hai wait kar raha hai aap logon ka. एक्साइटेड और नर्वस, बिकॉज मैं थोड़ी शाय पर्सन हूँ, आई डोंट नो हाउ विल आई टेक इट। मतलब आई वी सॉ फ्यू वीडियोज ऑफ द फैंस गोइंग आउट ऑन स्ट्रीट्स एंड सेलिब्रेटिंग, विच इज सो कूल टू सी देम यू नो बींग सो हैप्पी, एंड फॉर अस टू सी एज वुमेन्स क्रिकेटर्स दैट दे आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स क्रिकेट विन सो ह्यूजली, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वॉट हैपन्स। It's just been a clean slate. I haven't really thought of it. It's just been, just maybe 12 hours. I've just slept. So maybe you know, yeah. Really, we all are really excited, and more importantly, I think that's what we spoke about. That you know, we have to do it for the fans. So it'll be really nice to see how they are reacting. हर कोई एक बार जानना चाह रहा है विराट से वीडियो कॉल की क्या कहा उन्होंने आपका? सर इतना नॉइज था तो सिर्फ थम्स अप दिखा, तो अभी हम जब जाएंगे मिलेंगे तो अच्छे से कॉन्वर्जेशन हो पाएगा, क्योंकि वीडियो कॉल में काफ़ी नॉइज था स्टेडियम में, तो आई जस्ट कुड सी हिज स्माइल एंड द थम्स अप, सो दैट्स व्हाट आई कुडंट हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स।